हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, हमने पहले पाठ किया था, पाठ नंबर 10, क्रियाकाल और वाच्य। हमने क्रिया के बारे में कुछ समझाया था आपको। क्रिया क्या होती है? क्रिया होता है जिन शब्दों से हमें किसी कार्य के घटने अथवा उसकी घटना का अथवा अस्तित्व का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। मछलियाँ तालाब में हैं, बच्चा साइकिल से गिर गया, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? एक क्रिया है। फिर अब हमने पढ़ा था धातु। धातु क्या होती है? क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। किसी धातु से ही क्रिया के विविध रूपों का निर्माण होता है। किसी धातु से ही क्रिया के विविध रूपों का हम निर्माण करते हैं। जैसे पढ़ से हमने बनाई क्रिया पढ़ना, पी से पीना, सुन से सुनना। मतलब हम क्रिया शब्द में से ना शब्द को हटा दे तो वो क्या बन जाती है? धातु, उसकी मूल धातु बन जाती है। यहाँ पे जो उदाहरण हमने ये पढ़े थे, इनको आपने अच्छे से याद करना है। आगे फिर हमने क्रिया के भेद पढ़े थे, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। क्रिया को दो आधारों में बांटा गया है। एक तो कर्म के आधार पर और एक संरचना के आधार पर। क्रिया के आधार पर हमने इसके भेद किए थे, आगे कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया को फिर दो भागों में बांटा गया है, अकर्मक क्रिया और कर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया हमने पढ़ा था। कर्मक क्रिया क्या कौन सी होती है? जिन वाक्यों में कर्ता के साथ कर्म का उपयोग नहीं किया जाता, क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है, ऐसे वाक्यों को अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब कि अगर हम कोई वाक्य में से ही प्रश्न बनाते हैं और उसी प्रश्न में हमें उत्तर मिल जाता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं। अकर्मक क्रिया, शेर दहाड़ता है, बच्चा भागता है, बंदर कूदता है। इन वाक्यों में क्रिया दहाड़ता है, भागता है, कूदता है का फल कर्म से शेर और बच्चे बंदर पर ही पड़ रहा है, अतः यह अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया वही होती है बच्चों जिनका कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, कर्ता का के साथ कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता, क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है। जैसे यहाँ पे शेर दहाड़ता है, शेर दहाड़ता है, दहाड़ना का सीधा असर किस पे हो रहा है? शेर पे। शेर दहाड़ता है तो शेर क्या है? यहाँ पे कर्ता है और दहाड़ना क्या है? यहाँ पे क्रिया है। ठीक है, क्रिया का असर किस पे है? कर्ता पे। तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्म नहीं दिया गया है। अकर्मक क्रिया में क्रिया का असर किस पे पड़ता है? सीधा कर्ता पे। कर्ता होता है काम को करने वाला। ठीक है, तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। अब आगे पढ़ते हैं, कर्मक क्रिया कौन सी होती है? कर्मक क्रिया, वाक्यों में जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है तथा क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, ऐसी क्रियाओं को कर्मक क्रियाएं कहा जाता है। अब ये देखो बच्चों, ध्यान से सुनना है। अकर्मक क्रिया होती है जिसपे क्रिया का असर कर्ता पर पड़ता है, उसमें कर्म पर असर नहीं पड़ता, वो तो होती है अकर्मक क्रिया। और कर्मक क्रिया क्या होती है? क्रिया का फल हमेशा कर्म पर पड़ता है। ठीक है, वो होती है कर्मक क्रिया। कर्म का क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, कर्मक क्रिया। और कर्म का फल कर्ता पर पड़ता है तो अकर्मक क्रिया। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया है, रानी पानी पीती है। अब देखो, रानी क्या है? यहाँ पे कर्ता है, पानी क्या है? कर्म है, और पीती क्या है? क्रिया है। अब क्रिया का असर किस पे पड़ रहा है? कर्म पर। रानी क्या पीती है? पानी पीती है। कर्म पर असर पड़ा है इसका कि पानी पीती है, तो ये क्या है? कर्मक क्रिया है। अगर हम इसी वाक्य में से अगर हमने कर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को छांटना है, अगर हम उसी वाक्य में से प्रश्न बना दें कि भीम ने गदा चलाई, अगर इसी वाक्य का हम प्रश्न बनाएं, भीम ने क्या चलाई, क्या चलाई, हमें इसी वाक्य में प्रश्न भी बन रहा है और इसका उत्तर भी इसी वाक्य में है। राम ने क्या चलाई? राम ने गदा चलाई। हमें प्रश्न बनाने पर इसी वाक्य में हमें उत्तर मिल रहा है, तो इसका मतलब है ये कौन सी क्रिया है? कर्मक क्रिया है।
ठीक है, समझ आ गया आपको। कर्म के आधार पर क्रिया के भी दो भेद हैं, कर्म के आधार पर क्रिया को अकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में। आगे पढ़ते हैं सहायक क्रिया। अब पढ़ते हैं सहायक क्रिया क्या होती है। ठीक है, वाक्य में प्रयोग करते समय कुछ सहायक क्रियाओं का मुख्य क्रिया के साथ रखा जाता है, जैसे बालक दौड़ रहा है था। अब इसमें मुख्य क्रिया है दौड़ना, सहायक क्रिया क्या है था, मतलब सहायक क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है वो सहायक क्रिया होती है। मुख्य क्रिया है इसमें दौड़ना और सहायक क्रिया क्या है इसमें था। सामान्यतः है, हैं, हूँ, था, थी आदि सहायक क्रियाएं हैं, परंतु वाक्य में मुख्य क्रिया के अभाव में ये ही मुख्य क्रिया के कार्य करती हैं, जैसे वे हंसते हैं, वे हॉल में हैं, वह खेल रहा है, वह प्रसन्न है। ठीक है, ये क्या है सहायक क्रियाएं ही मुख्य क्रिया का काम करती हैं जब क्रिया का अभाव होता है। ठीक है, तो मुख्य क्रिया ही क्रिया का काम करती हैं। ठीक है, आगे है, हमने पहले कर्म के आधार पर क्रिया के भेद किए हैं, अब करते हैं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, पहले कर्म के आधार पर किया है, अब संरचना के आधार पर। संरचना की दृष्टि से क्रिया को 5 भेदों में बांटा जाता है। कर्म के आधार पर 2 भेदों में बांटा गया है और संरचना के आधार पर 5 भेदों में। ठीक है, पहला भेद है इसका संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रियाएं कौन सी होती हैं, जिन वाक्यों में एक से धातुओं से बने क्रियापद होते हैं वहाँ संयुक्त क्रियाएं होती हैं। धातु बताया था बच्चों, जो क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं धातु। और संयुक्त क्रिया कौन सी होती है, जो एक से धातुओं से क्रियापद होते हैं, एक से धातुओं से। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, रवि अपने घर चला गया। अब यहाँ देखो चला और गया, ये क्या है, दो शब्द हैं, दो क्रियापद हैं यहाँ पे, चला भी गया और गया, दो क्रियाएं हैं यहाँ पे, चलना और जा गया। ठीक है, तो इन जो दो क्रियापद होते हैं धातुओं के, दो क्रियाएं होती हैं वहाँ पे, क्या होता है संयुक्त क्रिया। लेखक लेख लिखने लगा, अब लिखने और लगा ये भी क्या है दो क्रियाएं हैं, तो जहाँ पे एक से दो धातुओं के क्रियापदों का प्रयोग होता है वहाँ कौन सी क्रिया होती है संयुक्त क्रिया। ठीक है, फिर है प्रेरणार्थक क्रिया। अब दूसरी क्या है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है, जिन क्रियाओं में कर्ता द्वारा स्वयं कार्य न करके किसी और से करवाया जाता है ऐसी क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है, कर्ता द्वारा। कर्ता क्या होता है, काम करने वाला कर्ता। कर्ता खुद काम ना करके किसी और से काम करवाता है, तो ऐसी क्रिया को बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे यहाँ उदाहरण से समझ आएगा आपको, विकास ने कमल से पानी मंगवाया। अब विकास यहाँ पे क्या है कर्ता है, इसने अपना काम खुद ना करके कमल से पानी मंगवाया। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ता है, कर्ता ने स्वयं काम ना करके किसी और से काम करवाया है, तो ये क्या है प्रेरणार्थक क्रिया। अब यहाँ पे एक और उदाहरण दिया है, माता जी ने सीमा से पत्र पढ़वाया। माता जी ने स्वयं काम ना करके किससे काम करवाया है सीमा से, तो यहाँ पे कर्ता ने क्या काम किया, खुद काम नहीं किया, वो काम किससे करवाया है किसी और से करवाया है, तो इसका मतलब ये क्या है एक प्रेरणार्थक क्रिया है। समझ आ गया, प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है, जिन क्रिया में कर्ता स्वयं काम ना करके किसी और से काम करवाता है, तो ऐसी क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब करते हैं 3 पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है, वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है, मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को, ठीक है, ये पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे अमर खड़े होकर पढ़ रहा है। अब पढ़ना क्या है यहाँ पे, एक
मुख्य क्रिया है कि वह पढ़ रहा है, ठीक है। पढ़ना क्या है यहाँ पे, एक मुख्य क्रिया है, लेकिन उससे पहले एक क्रिया हुई खड़े होकर, ठीक है। पढ़ने से पहले एक क्रिया हुई कि खड़े होकर वह पढ़ रहा है, तो ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया से पहले भी एक क्रिया की है उसने, तो ये क्या है, एक पूर्वकालिक क्रिया। श्यामा पढ़कर आ गई, ठीक है। श्यामा क्या है यहाँ पे, पढ़कर आ गई, पढ़कर आ गई। गई तो क्या है यहाँ पे, एक मुख्य क्रिया है, और मुख्य क्रिया से पहले एक क्रिया की उसने कि पढ़कर आ गई, तो ये क्या है, एक पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। समझ आया बच्चों। अब है चार, फोर्थ भेद कौन सा इसका, चौथा भेद कौन सा है, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया कौन सी होती है, धातु के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाले क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। धातु के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाले क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे संज्ञा शब्दों से शर्म शर्माना, ठीक है, हाथ हथियाना, फिल्म फिल्माना, ठीक है। संज्ञा से जो हम नाम वाले क्रियापद धातु, नाम धातु क्रिया का प्रयोग करते हैं, जो क्रियापद होते हैं नाम धातु वाले, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जो मिलकर बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा से बन के बना, शर्म से शर्माना, हाथ से हथियाना, फिल्म से फिल्माना, ठीक है। जैसे सर्वनाम शब्दों से मिलके बना, अपना से अपनाना, विशेषण से बना दोहरा दोहराना, ठीक है। तो ये कौन सी धातु है, नाम धातु के उदाहरण है। फिर आगे है पांचवा, विधि सूचक क्रिया। अब विधि सूचक क्रिया कौन सी होती है, क्रिया का जो रूप विधि, आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, उपदेश, अनुरोध आदि का बोध कराता है, उसे विधि सूचक क्रिया कहते हैं। क्रिया का वो रूप जो आज्ञा, प्रार्थना या सलाह या उपदेश या अनुरोध, किसी ने कोई और उपदेश दिया है, किसी ने आज्ञा दी है या किसी ने प्रार्थना की है, उसका बोध कराए, तो वो क्या है, विधि सूचक क्रिया। वो क्या है, विधि सूचक क्रिया। जैसे पंकज दरवाजा खोलो, ये किसी ने आज्ञा दी है, पंकज की दरवाजा खोलो, ये किसी ने आज्ञा दी है, ऑर्डर दिया है, तो ये क्या है, विधि सूचक क्रिया का उदाहरण है। या और उदाहरण दिए हैं, कृपया धीरे चलो, कृपया धीरे चलो, मतलब किसी ने प्रार्थना की है, किसी ने रिक्वेस्ट की है कि कृपया धीरे चलो, तो ये क्या है, विधि सूचक क्रिया। हमेशा बाईं ओर चलें, ये किसी ने सलाह दी है कि हमेशा कहाँ चलना चाहिए, बाईं ओर चलना चाहिए, तो ये क्या है, एक विधि सूचक का उदाहरण है। जानवरों को न सताएं, तो ये क्या है, एक उपदेश दिया है कि जानवरों को ना सताएं, तो ये भी क्या है, विधि सूचक का उदाहरण है, ठीक है। हमने कर लिया क्रिया, क्रिया के आधारों पे हमें दो भेदों में बांटा गया है, फिर कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर भी फिर आगे क्रिया को दो भागों में बांटा, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। फिर आगे संरचना के आधार पर कर्म को पांच भागों में बांटा, ठीक है। पांच भागों में पहला था संयुक्त क्रिया, फिर प्रेरणार्थक क्रिया, फिर पूर्वकालिक क्रिया, फिर चौथा था नाम धातु, और फिर पांचवा है विधि सूचक क्रिया, ठीक है। फिर अब हमने क्रिया के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे काल के बारे में कि काल क्या होता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम काल। सुलेखा कल बीमार थी, सुलेखा आश्वस्त है, सुलेखा कल विद्यालय जाएगी। अब ये देखो बच्चों, ये सुलेखा के अलग अलग वाक्यों का प्रयोग किया गया, थी, है, जाएगी, मतलब थी बीते हुए समय में थी, तो इस वाले जो बीता हुआ समय होता है वो भूतकाल होता है। स्वस्थ है मतलब आज ठीक है, तो ये क्या है, वर्तमान काल है। जाएगी मतलब आने वाले, वो काम अभी किया नहीं है, आने वाले टाइम में वो काम होगा, तो वो है भविष्य काल। उपयुक्त तीनों वाक्य क्रिया होने का अलग अलग समय का बोध करा रहे थे, प्रथम वाक्य में बीते हुए समय का, द्वितीय वाक्य में वर्तमान समय का, और तृतीय वाक्य में आने वाले समय का पता चल रहा है।
तो व्याकरण में इसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं, समय कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम के करने या होने का बोध हो वह काल कहलाता है। ठीक है, काल का समझ आ गया। क्रिया का जिस रूप से हमें काल काम के होने का, होने या करने का पता चलता है उन्हें काल कहते हैं। फिर आगे काल के भेद हैं, काल के कितने भेद हैं, काल के तीन भेदों में बांटा गया है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, काल को कितने भागों में बांटा है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीन भागों में बांटा है। फिर है भूतकाल क्या होता है, क्रिया का जो रूप बीते हुए समय में होने का बोध कराता है वह भूतकाल की क्रिया कहलाती है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, मतलब ये भूतकाल में थे, बीते हुए समय में थे, तो ये क्या है, भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है, फिर आगे इन्होंने भूतकाल की छह भेद बताए हैं। भूतकाल के आगे कितने भेद बताए हैं, छह भेद हैं। ये बताया सामान्यतः भूतकाल, आसन्न भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल होता है कि साधारण रूप से सामान्य भूतकाल कहलाता है, क्रिया का जो साधारण रूप है वो सामान्यतः भूतकाल कहलाता है। जैसे मैंने माता जी को पत्र लिखा, मामा जी ने हमें खिलौने दिलाया, मतलब कि ये दिलवाया या ये थोड़े टाइम पहले जो कि काम हुआ है, तो वो है सामान्य भूतकाल। आसन्न भूतकाल होता है क्रिया का जो रूप हमें यह बताता है कि क्रिया अभी समाप्त हुई है, उसे आसन्न भूतकाल कहा जाता है। मतलब कि आसन्न भूतकाल होता है क्रिया अभी अभी थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुई है। जैसे मैंने पत्र लिख लिया है, मतलब लिखने के बाद उसने बोला कि मैंने पत्र लिख लिया है, तो ये आसन्न भूतकाल होता है। मनोज अभी गया है, अभी गया है मतलब जस्ट काम अभी हुआ है। ठीक है, तो यह है आसन्न भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह तो पता चले कि क्रिया भूतकाल में हुई थी परंतु उसकी समाप्ति के विषय में कुछ पता ना चले, ऐसी क्रिया को अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल होता है कि हमें यह तो पता चल जाता है कि ये काम भूतकाल में हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता है कि ये समाप्ति के बारे में, उस काम के समाप्ति के बारे में कि ये कब समाप्त किया है, इसके बारे में नहीं पता चलता, तो ये है अपूर्ण भूतकाल। कि मीरा भजन गा रही थी मतलब, लेकिन उसके समाप्ति के बारे में नहीं पता हमें कि वो कब समाप्त, उतने गाना गाना कब उसने बंद किया है, लेकिन जब हमने देखा था कि वो उस टाइम गाना गा रही थी, तो ये है अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, वर्षा हो रही थी, जब हमने देखा था कि वर्षा हो रही थी, लेकिन बाद में हमें समाप्ति का नहीं पता कि वो काम कब बंद किया गया, कब वो बारिश बंद हो गई, कब उसने गाना बंद कर दिया, तो ये कौन सा है, अपूर्ण भूतकाल की परिभाषा। फिर है अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल कौन सा होता है, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया भूतकाल में पूर्ण हो गई थी उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में ही पूर्ण हो गई थी, तो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। बस जा चुकी थी, मतलब हमारे सामने हमें इस क्रिया के होने और समाप्ति होने का भी हमें पता है कि ये काम हुआ था, हो रहा था, फिर ये बस आई और चली गई थी, हमें इसके आने का और जाने का भी पता है। ठीक है, तो ये पूर्ण भूतकाल है। संदिग्ध भूतकाल, क्रिया का जो रूप भूतकाल का बोध कराए उसे कार्य के विषय में संदेह उत्पन्न करे, उसे वहाँ संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल ना सूखती, मतलब कि भूतकाल का बोध कराए, मतलब क्रिया के विषय में संदेह उत्पन्न होता है, संदेह करे, तो वही संदिग्ध भूतकाल होती है। अगर वर्षा होती, यदि होती, होती तो होता ना कि फसल ना सूखती, यदि वह पढ़ लेते तो अवश्य प्रथम आता, अगर पढ़ता तो अवश्य प्रथम आता, मतलब संदिग्ध है, संदेह है उस बात पे, तो यह है संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, आगे है वर्तमान काल। अब दूसरा काल कौन सा है, वर्तमान काल। वर्तमान काल कौन सा होता है, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया अभी हो रही है या की जा रही है, उसे वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। शेर दहाड़ता है, बालक पढ़ रहे हैं। आगे इन्होंने वर्तमान काल के भी तीन भेद बताए हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। अब सामान्य वर्तमान काल कौन सा होता है,
क्रिया का जो रूप कार्य का वर्तमान समय में होने का सामान्य रूप से बोध कराए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया का जो रूप कार्य का वर्तमान समय में होने का सामान्य रूप बताए वो सामान्य वर्तमान काल बताते हैं। जैसे महिमा खेलती है, माता जी भजन गाती है, ये एक सामान्य मतलब बताते हैं कि सामान्य रूप से काम चल रहा है। फिर है अपूर्ण वर्तमान काल कौन सा होता है, क्रिया का वह जो रूप यह बताए कि कार्य वर्तमान काल समय में चल रहा है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है, कि काम अभी चल रहा है, चिड़िया उड़ रही हैं, पिताजी चाय पी रहे हैं। फिर है संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया का जो रूप कार्य के वर्तमान समय में होने का विषय में संदेह व्यक्त करे उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। चिड़िया उड़ रही होगी, पिताजी चाय पी रहे होंगे, मतलब वो संदेह व्यक्त करता है उस काम के पीछे, तो वो संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। फिर है भविष्यत काल कौन सा होता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। विद्यालय 9 बजे खुलेगा, मैं खेलने जाऊंगा, ये क्या है भविष्य काल, मतलब अभी काम आने वाले समय में किया जाएगा। फिर है भविष्य काल के 2 भेद बताए हैं, सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया का समानांतर रूप से होना पाया जाए उसे समानांतर भविष्य काल कहते हैं। पिताजी किताबें लाएंगे, हम शाम को मेले में जाएंगे, ठीक है, तो ये सामान्य भविष्य काल है। और संभाव्य भविष्य काल होता है जब आने वाले समय में क्रिया के होने या ना होने के विषय में संभाव्यता व्यक्त की जाए तब संभाव्य भविष्य काल होता है। जैसे इस वर्ष शायद वह उत्तीर्ण हो जाए, मतलब उसके बारे में भी संभाव्यता संदेह है, संभाव्य है, सिर्फ संभावना है उसके बारे में, पक्का कंफर्म नहीं है अभी, ठीक है, तो संभावना जहाँ होती वहाँ संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। ठीक है बच्चों, अभी आपने यही काल तक का ये वाला पार्ट पढ़ना है और इसको अच्छे से याद भी करना है, हम वाच्य बाद में करेंगे। ठीक है, वाच्य क्या होते हैं और वाच्य के क्या भेद होते हैं, और आपने अभी ये 2 प्रश्न हमने किए हैं, क्रिया किसे कहते हैं और धातु क्या होती है, आपने इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखवाया है, इनको अच्छे से याद करना है और इनको लिखना भी है। ठीक है, फिर आपने प्रश्न नंबर दो है, ये करना है आपने कि निम्नलिखित वाक्य में अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को छांटना है। बच्चों इसका ये प्रश्न नंबर 2 का कॉलम ना ऊपर प्रिंट हुआ हुआ है आपकी बुक में, तो ये आपका ये प्रश्न नंबर 2 का कॉलम ये ऊपर दिया है। ठीक है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया छांटनी है। शेर दहाड़ता है, मतलब इसमें कर्म का असर प्रसिद्धा कर्ता पे पड़ रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, मोहन पानी लाया, क्या लाया, पानी लाया, तो इसका असर कर्म पे है, तो यह है सकर्मक क्रिया। वह सोता है, यह है अकर्मक क्रिया। हम कहानी लिखते हैं, ये भी है सकर्मक क्रिया। ठीक है, फिर आगे प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 का भी प्रिंट आउट सेकंड के सामने है, तो ये प्रश्न नंबर 3 का असर सेकंड पे करना है। ठीक है, ये ऊपर प्रिंट है, क्रिया और काल बताने हैं, यहाँ क्रिया क्या है और काल कौन सा है। बच्चा खेलता है मतलब अभी काम चल रहा है, तो काल है वर्तमान काल और खेलना क्या है, क्रिया है। वह कश्मीर जाएगा क्या है, यहाँ पे जाना क्या है, क्रिया है, और काल जाएगा आने वाले टाइम में होगा, ये तय भविष्य का। हमने मेला देख लिया था, देखना क्या है, यहाँ पे देखना क्रिया है, और काल कौन सा है, भूतकाल है। गायक गाना गा रहा है, गाना क्या है, यहाँ पे क्रिया है, और काल कौन सा है, वर्तमान काल है। अभी बच्चों आपने यही 2 सेकंड और 3rd प्रश्न उत्तर अपनी बुक में लिखना है और इसको याद करना है। ठीक है, और जो कॉपी में आपने लिखने हैं वो पहले 2 प्रश्न आपने लिखने हैं और इसको याद करना है। ठीक है, धन्यवाद।